पब्लिक टीवी आपकी आवाज। निकाय चुनाव में मुरादाबाद में सपा से बसपा में शामिल हुए मोहम्मद यामीन अपना नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। समर्थकों के साथ नामांकन कराने पहुंचे बसपा प्रत्याशी यामीन ने दम भरते हुए कहा कि इस बार बसपा की जीत भारी बहुमत के साथ होगी, जनता अपना भरोसा बसपा पर जताएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है, उन्होंने कितना विकास किया जनता ये सब जानती है। मोहम्मद यामीन ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अब मुलायम सिंह यादव वाली पार्टी नहीं रही, सपा अब एसी में रहने वाले लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। एसी में रहने वाले लोगों को जनता के दुख और दर्द के बारे में कुछ नहीं पता। खुद को जमीनी स्तर का नेता बताते हुए कहा कि हमारी गिनती 50,000 वोटों से शुरू होगी और इस बार मुस्लिम और एससी समाज एक साथ मिलकर बसपा को अपना समर्थन देगी और मेयर की सीट पर जीत दर्ज कराएगी। जनता के बीच में भाईचारा कायम करने का प्रयास करेंगे और जो उसके बाद जब हम मुरादाबाद मेयर जीत के पहुंचेंगे तो जो जरूरतें मुरादाबाद महानगर को हैं उसमें वाहिद कैंडिडेट हम ऐसे हैं जो ग्रासरूट से जुड़े हुए हैं, एसी से निकल कर नहीं आए। हमें यहाँ की दिक्कत, गरीब की और मजलूम की परेशानी का पता है, हम उन सारी दिक्कतों को दूर करेंगे। फाइट में क्या रहेंगे? फाइट में देखिए, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, मगर जो हमारा कम्बिनेशन है जिसको हम लेके चल रहे हैं, 3 लाख मुसलमान वोट है, 90,000 हमारे साथ सुरूल कास्ट वोट है, इन दोनों का जब भाईचारा हम बना देंगे तो हमारे मुकाबले इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। वाहिद हम ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 1 लाख वोटों से ऊपर से जीतेंगे। पिछले 6 चुनावों में जो चुनाव हुए मेयर के लिए, यहाँ पर बसपा कहीं भी खड़ी नजर नहीं है, तो फिर क्या जीत का आपका वो रहेगा? जीत का आंकड़ा मेरा यही है कि सुरूल कास्ट और मुसलमान मिला करके हम यहाँ पे फतेह हासिल करेंगे इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी में भी आपने काम किया 2002 में, है समाजवादी पार्टी में भी आपने काम किया है, अब बसपा में है, पहले बसपा में थे, तो क्या मानते हो कि ये समाजवादी पार्टी ने रईसुद्दीन का नया चेहरा उतारा है? तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के जमाने की पार्टी नहीं रही, अब एसी में रहने वाले लोगों के हाथ में है और वो एसी में रहने वाले लोगों को पसंद करते हैं। जो आज उन्होंने मुरादाबाद में ऐसा कैंडिडेट उतारा है जिसको न कारीगर की, न मजदूर की, न गरीब की, न मजलूम की पता ही नहीं है और वो नहीं जानते कि उनका दर्द क्या होता है। भाजपा के विनोद अग्रवाल 50,000 से ज्यादा की जीत का दावा भर रहे हैं कि हम 50,000 वोटों से ज्यादा की जीत हमारी हो। देखिए, 2 बार उनकी पत्नी मेयर रही, 2 बार वो भी मेयर रहे हैं, जनता उनको जानती है, वो जनता की आकांक्षाओं पर कितने खड़े उतरे हैं इसका जवाब जनता ही देगी, मैं नहीं दूंगा। देखिए, रुझान की बात यह है, हमारी जो गिनती शुरू होगी 50 लाख से ऊपर से शुरू होगी, दूसरे कांग्रेस वाले की 0 से शुरू होगी और समाजवादी वाले की 0 से होगी। हम 50,000 वोट हमारा पड़ा हुआ होगा, ऐसे 90,000 में 50 हमारा प्लस होगा, उसमें से जब हमारी 50 से गिनती शुरू होगी तो हमारे मुकाबले कोई नहीं टिकेगा, ये हमारा जीत का आधार है। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।